अपन आज देश अपने विद्या को साक्षात शाकुंडल सखी का प्रकटन महोत्सव श्री बंगला जी में महाराज छत्रसाल जी का प्रकटन महोत्सव ये किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन प्रारंभ में दीप प्रज्वलन हुआ धर्मोपदेश पुत्र श्री योगेश जी के द्वारा और वो भी मदद कदर करेंगे हमारे श्री एक बार टाना ट्रस्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन जी और सचिव महोदय से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण करें। श्री पुजारी जी महाराज बम पुजारी जी महाराज श्री मन्ना जी महाराज गुरु श्री छत्रसाल महाराज की जय। शाकुंडल सखी की जय। रुमाल बांध लो जो कोई रुमाल ले आऊं धर्मोपदेशक श्री पंडित खेमराज जी शाकुंडल की शोभा का वर्णन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आज परम पावन दिन है, इस पवन पावन परम पावन दिवस के ऊपर आज साक्षात शाकुंडल जी का प्रकटन महोत्सव है प्रकटन मनाया जा रहा है। मां बलशाली महाराज छत्रसाली आज प्रकट हुए थे तो मोड़ पहाड़ी थे। समझने वाली बात है कि अवतार जब होते हैं तो अवतार का प्रकटन कैसे होता है। कृष्ण जी का प्रकटन हुआ कैसे, जेल में बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, कितना भयावह स्थिति थी। ठीक इसी प्रकार से अवतार हुआ जो शाकुंडल का, तो तलवारें खनक रही थी मोर की पहाड़ी पे, चारों तरफ युद्ध बढ़ना रहा था और आपकी माता श्री वहां पर व्याकुल थी, उनको पीड़ा थी। उस समय के राष्ट्रीय कवि ने लिखा हुआ है कि रानी के उदर माय भई जब गर्व पीर होए के अधीर लगी कृष्ण को मनावने, इतने में आयो एक नेवला धर गयो लाए पांच मोहरे दीर्घ सामने। इतने खबर हुई चंपा राय ना तो दौड़ के आ रहे दवाए के रानी को ये लगाए पुत्र को ये लगाए रानी को कांगे बिठाए मोर की पहाड़ी से गए मोर से उड़ाए के। तो ये है प्रकटीकरण, ये जब अवतार होते हैं तो ऐसा प्रकटीकरण होता है कि जब बादल गरज रहे थे बिजली चमक रही थी कृष्ण का अवतार हुआ कृष्ण जन्म हुआ तो कैसी भयावह स्थिति थी उस समय जेल के अंदर। ठीक इसी प्रकार से मोर की पहाड़ी पर चारों तरफ तलवारें खनक रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय कवि ने जो वर्णन किया है प्रत्यक्ष उस समय का वो बताता है कि अवतार कैसे हुआ। रानी वो पांच मोहरे दल के सामने, वो पांच मोहरे जो जैसे गए शिवनंदन बुद्ध लक्ष्मण चल गए अवतार की छाप उसमें थी और ये अखंड शक्ति का जो पंच शक्ति वहां से प्रकट हुई आपके अंदर विराजमान हुई और वो उसका प्रकटीकरण हुआ कि सेना पीछे दौड़ी भागी सेना को पता लगा भागी पीछे, लेकिन वो रानी को ही लगाए पुत्र को रानी को कंधे चलाए पुत्र को ये लगाए मोर की पहाड़ी से गए मोर से उड़ाएगी। कभी वर्णन करता है कि इतना विशाल गहराई थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, लेकिन वो जब गए तो पूरी सेना देख के चकाचौंध हो गई। ये है वो शक्ति का प्रतीक शाकुंडल का अवतार था और इस यहां पे आकर के फिर जिस प्रकार से जागनी लीला की इस सर्व विदय थे कि सस्ता तेरी राज में धनकर धरती हो जितने थोड़ा पुत्र कितने गिरा हो। महाराज सिद्धि साहिब जी ने उनको आशीर्वाद दिया हीरे का वरदान दिया और शाकुंडल ने भी यही चीज का यही पहाड़ो यही निछावर आए
शरणनाथ के चरण में छत्ता बलि बोली जाए, पूर्ण समर्पित भाव से उन्होंने पूरी सेवा की, अष्टमय की सेवा इसी ब्रह्म जी के अंतर्गत वो हमेशा पर रहे और आज साक्षात हैं, श्री गुम्मट जी विराजमान है, साक्षात सेवा कर रहे हैं और बंगलही में आकर के अष्टमय की सेवा भगवान ले रहे हैं। ऐसे ही साक्षात महाराज चर्चा जी की आज पावन तिथि पर हम सब लोग गदगद हैं, हृदय से पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित हैं, वो पूर्णतः चक्र छाया करके हम सब लोगों को पूर्ण सुख संपन्न करेंगे। बोलो रामनाथ प्यारे। हमारे बीच में वरिष्ठ धर्म निदेशक पंडित पुजारी श्री देवकरण जी अपना उद्गार मराठा सिंह। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सब महाराजा श्री छत्रसाल जी की 372वीं जयंती का महापर्व मना रहे हैं, परंतु इस समय पर पूरा विश्व महामारी से त्रस्त है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर सूक्ष्म रूप में ही इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। हम सब उनको भूल नहीं सकते। हमारे महाराजा श्री छत्रसाल जी जो साक्षात पिया प्राणनाथ जी के चरण में समर्पण रहे, हर तरह से उन्होंने अपने सद्गुरु धामधनी को अपने सिरमौर पर बिठाया है और उन्होंने स्वयं पहले कहा है कि पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीशो, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ को बख्शीश। जब सद्गुरु सब कुछ बख्शीश करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, कोई बात बाकी रहती नहीं। उनमें सेवा, समर्पण, उसके अंदर में त्याग, उसके अंदर तपस्या, उसके अंदर में सुंदर साथ के प्रति प्रेम, सब कुछ जागृत मिल जाता है। महाराजा श्री छत्रसाल जी जागृत मूर्ति हैं। आप ये समझना जिन जिन का ये देह स्वरूप जिनका नहीं मिला है वो समझ लो साक्षात जागृत रहते हैं संसार के अंदर। जब तक संसार रहेगा तब तक महाराजा छत्रसाल जी इस दुनिया के अंदर में जब सजग रहेंगे, जागृत रहेंगे और सबको उठाएंगे, उठाएंगे। महाराजा श्री छत्रसाल जी का जो जन्म है विक्रम संवत 1706 की साल में, और ये जो अपना जेठ शुक्ल तृतीया शुक्रवार का दिन महाराजा छत्रसाल जी का प्रकट हुआ है, और वह दिन ऐसा है कि जो भी पिया श्री प्राणनाथ जी के साथ में रहता है वो सदा सर्वदा पूरे जग को जीत लेता है, और श्री प्राणनाथ जी जिनके साथ में रहते हैं उन पर इस संसार की कुछ भी दुविधा, कोई भी आपत्ति उनके ऊपर नहीं रहती है, सब मिट जाती है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने अपने बुंदेलखंड के अंदर में बुंदेलखंड इलाका को इत चंबल उत नर्मदा इत जमुना उत तो छत्रसाल सो धर्म की रही ना चाहू बहुत। इतना बड़ा उनका एरिया, इतनी बड़ी उनकी सीमा, और महाराजा छत्रसाल जी ने अपने धनी पिया श्री प्राणनाथ जी को पूरे बुंदेलखंड के अंदर में ले जाकर के पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, और उनकी ही कृपा से 52 लड़ाइयां उन्होंने जीती। महाराजा छत्रसाल जी ने जब श्री प्राणनाथ जी का सानिध्य प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी मेहर प्राप्त की, तो 52 लड़ाइयां उन्होंने विजय की, एक में भी कभी भी परास्त नहीं हुए महाराजा छत्रसाल जी। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को पहचान लिया और छत्रसाल जी ने पिया प्राणनाथ जी को पहचान लिया। शाकुंडल शोभा वही प्रकट वही पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी, महाराजा धीराज जिनको स्वयं श्री पिया प्राणनाथ जी ने अक्षरा तीर्थ ने महाराजा बनाया, उनको सुशोभित किया है। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी की आज 372वीं जन्म जयंती है। ऐसे पावन अवसर पर हम सब सुंदर साथ को और सभी देशवासियों को सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं और शुभकामना देते हैं, और आप सबको बल पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम। हमारी शाकुंडल सखी का प्रकटन हुआ था, हमने पुजारी जी महाराज जी से सुना बहुत सुंदर, पंडित कैमराज जी से। सुंदर साहब जी, पहले से ही शास्त्रों में वर्णित था कि बीतेगा 39वां दगेगा 40वां,
तब कोई होती मर्द मर्द का चेला। पहले से ही भविष्यवाणी थी धर्म शास्त्रों में, वो कहा नदी किलकिला तीन पर उतरे परम हंस आए, तीन में सीधा अक्षरा की देखो और संयन को सुख काज। ये सुंदर साहब जी मिलाप हुआ महाराजा छत्रसाल जी का और श्री जी का, और वही 12 साल पहले उनको एक सिक्का मिला हुआ था किनको, महाराजा छत्रसाल जी को, कि तुम्हारे सतगुरु कौन होंगे, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलम का अवतार होंगे। तो जब श्री जी से उनका मिलन होता है मऊ तिदनी दरवाजे में, तो वो सिक्का दिखाते हैं, श्री जी अपनी गलती उठाते हैं तो चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। छत्रसाल जी एक साधारण कोई शोभा नहीं थी उनके पास, लेकिन जब श्री जी से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया जो कभी परास्त नहीं हुए। 52 लड़ाई तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने 350 बार परास्त किया किसको, औरंगजेब को, लेकिन उनमें से 52 लड़ाई 5000 सेना से बड़ी लड़ाइयां थी जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। तो यही बगला जी दरबार जहां से जागनी ब्रह्मांड में आशीर्वाद मिलता है, वहीं पर हमारे ट्रस्ट के सचिव वाइस चेयरमैन और हमारे गुरुजन के द्वारा ये प्रगटन महोत्सव लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो पन्ना धाम में बहुत ही धूमधाम से महाराजा छत्रसाल जी का प्रगटन मनावा जाता है, लेकिन धनी ने महामारी ये अभी चल रही है, राज्य ही इसको दूर करेंगे, और ट्रस्ट हमारे मेयर साहब के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जा रहा बंगला जी दरबार में, और यहीं से महाराजा छत्रसाल जी बंगला जी दरबार से आशीर्वाद मिला था कि छत्ता तेरे राज में दख दख धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए हत्ते होए। वैसे बंगला जी दरबार में हमारे शाकुंडल सखी का प्रगट मनाया जा रहा है लॉकडाउन की वजह से एक छोटे स्वरूप में, लेकिन धनी इतना बड़ा अवसर जो है आज प्रागट्य का, और उतना ही ये जो स्थान है बंगला जी इसकी महिमा है, तो इसको हम छोटा भी नहीं कह सकते। ये बंगला जी है जो अखंड परम धाम की नियामत है, जहाँ साक्षात अक्षरातीत प्रिया श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। मैं अपने शब्दों पर विराम दूंगा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।